मंडल आयोग में हमने डिसाइड किया गया कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, लेकिन आज भी मंडल आयोग के बाद 27% आरक्षण हमें नहीं मिला। एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े पैमाने में प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, खासगीकरण किया जा रहा है, और उसके माध्यम से नौकरियों का, एजुकेशन में का, क्योंकि एजुकेशन भी अब प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी हमारा आरक्षण पूरा लुप्त हो जाएगा। कि ओबीसी की तादाद मंत्रिमंडल में ज्यादा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि तादाद ओबीसी की ज्यादा है तो ओबीसी का मंत्रिमंडल में ज्यादा समावेश होना चाहिए। लेकिन एडवोकेट मिर्जा जी ने उसमें एक बात बड़ी अच्छी से कही कि जहां पर ओबीसी के मंत्री बनना चाहिए, जहां पे कानून बनता है वहां पे ओबीसी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और वेलकम। पूरे देश से, विविध राज्यों से, विविध भाषा से यहां पर पूरा ओबीसी समाज जो इकट्ठा हुआ, और उसी लैंग्वेज में मैं सबको यहां पर मैं नमस्ते किया हूं। हम जब पढ़ते थे छोटे बचपन में तो एक लेसन था खरगोश का। एक खरगोश झाड़ के नीचे से जा रहा था, पेड़ के नीचे से, तो उसके ऊपर पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरने के बाद वो खरगोश को लगता है कि मेरे पे बादल गिर रहा है, अपना पंजाब का बादल नहीं, आसमान वो गिर रहा है, और वो भागते छूटता है। तो ऐसे ही भागता है कि कई काटे काटते उसको कुछ ऐसे होता है, वो लहूलुहान हो जाता है और आखिरी वो मर जाता है। वही कहानी हमारे ओबीसी समाज के साथ 75 साल में हुई। हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी लंबी आजादी के बाद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 के आधार पर हमें हमारा अधिकार दिया, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, उसकी मांग लेकर हम आज भी लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते ये स्थिति हो गई कि वो खरगोश जैसे लहूलुहान, जैसे आखिरी मरता है, वैसी परिस्थिति हमारी हुई। मैं इसलिए शुरुआत उसी से किया। आज जैसे हम लोग देख रहे कि जैसे मंडल आयोग के बाद हम लोगों को एक टारगेट फिक्स किया कि 27% ओबीसी का आरक्षण, जैसे ही हमारे एडवोकेट मिर्जा जी ने कहा कि मंडल आयोग में हमने डिसाइड किया गया कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, लेकिन आज भी मंडल आयोग के बाद 27% आरक्षण हमें नहीं मिला, उसकी आंकड़ेवारी एडवोकेट मिर्जा जी ने बताई। तो यही आज हम देख रहे कि इसके आगे अब निकल गए। हम लोग आज भी अधिकार मांग रहे। एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े पैमाने में प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, खासगीकरण किया जा रहा है, और उसके माध्यम से नौकरियों का, एजुकेशन में का, क्योंकि एजुकेशन भी अब प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी हमारा आरक्षण पूरा लुप्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा लगता है कि आरक्षण एक सपना बन के रहेगा। जैसे एडवोकेट मिर्जा जी ने कहा था कि अपने को एक फ्रेम में हमें आरक्षण मिलता था 27%, उसका एक फ्रेम बना के घर में लगा सकते। आज ये परिस्थिति हुई क्योंकि तो उसी बारे में ये मंथन होने की जरूरत, राजकारण के ऊपर जाकर यह मंथन होना चाहिए। जैसे कहा गया, जब मंत्री जी ने कहा कि ओबीसी की तादाद मंत्रिमंडल में ज्यादा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि तादाद ओबीसी की ज्यादा है तो ओबीसी का मंत्रिमंडल में ज्यादा समावेश होना चाहिए। लेकिन एडवोकेट मिर्जा जी ने उसमें एक बात बड़ी अच्छी से कही कि जहां पर ओबीसी के मंत्री बनना चाहिए,
जहां पे कानून बनता है वहां पे ओबीसी के मंडल में स्थान नहीं है। जस्टिस में भी हमने देखा है, न्याय व्यवस्था में भी देखा है, महाराष्ट्र का उदाहरण हमने दिया, वहां पर भी जो डिसीजन आया उसी के आधार पर हम लोगों को खरगोश जैसे हम लोगों को घुमाया जा रहा है, फुटबॉल बनाया जा रहा है। ये परिवर्तन आना चाहिए, ये सबको लगता है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हमने हाजिरी लगाई इतना तक नहीं, यहां पर एक मंथन जिसके दूसरे स्टेप में शिवराज जी आपको बहुत सारी बातें इसमें बताएंगे। मुझे लगता है कि ये बड़ा मंथन इस कार्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। हमें किसी सरकार के ऊपर दोष देके नहीं चले। मैं सरकार का मंत्री हूं तो मैं सरकार की तारीफ करता रहूंगा, यहां तक नहीं है। हमें क्या मिला? मुझे याद है कि जब मेरे देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई हुई जब मैं सांसद था, तब मैंने ओबीसी के मंत्रालय की बात, ओबीसी का मंत्रालय अगर बन जाता देश में, जैसे महाराष्ट्र मंत्री जी ने बताया था कि राज्य में हमने ओबीसी का मंत्रालय बनाया, वहां पर तो ओबीसी का मंत्रालय तो बनाया जिसकी बोर्ड लगा के रखा था, ताप भी नहीं था, एक मंत्री के नाम से वहां खेला जा रहा। हमारी भी आगाड़ी की सरकार आई उसमें भी वही हाल, बहुत सारा उसमें कोई प्रावधान नहीं हुआ। लेकिन देश में अगर ओबीसी का मंत्रालय बन जाए तो मुझे लगता है कि केंद्र में जैसे अल्पसंख्यक का मंत्रालय बना तो केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जो होती है उसके पास पूरे देश का पैसा वहां जमा होता है और वहां से पैसा हर राज्यों में दिया जाता है, तो केंद्र में अगर ओबीसी का मंत्रालय होता तो मुझे लगता जैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के आधार पर राज्य में भी ओबीसी मंत्रालय खोलने के बाद इसका फायदा अपने आप मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय कहा कि मैं मंत्रालय बंद करने जा रहा हूं। फिर रहते हमारे सांसद तो मंत्री भी बने, अबिल पाटिल वो भी थे मीटिंग, मैं मंत्रालय बंद करने जा रहा हूं, तुम तो मंत्रालय खोलने की बात कर रहे हो। तो ये जब परिस्थितियां होती है तो इसको अपने को समझने की चाहिए। पूरे देश में हमारी तादाद ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देश में प्रधानमंत्री ओबीसी का बनाया, लेकिन ये 8 साल में ओबीसी के लिए क्या मिला इसका भी मंथन यहां पर। आज जीएसटी के आधार पर अनाज के ऊपर जीएसटी लगाया गया, तो अनाज के ऊपर जीएसटी लगाया तो किसान का भज, किसान को भी कुछ मिले, ऐसी अगर व्यवस्था बनती तो हम समझते कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन किसान ने फसल निकाला और व्यापारी के पैकेट में गया तो उसके ऊपर जीएसटी। किसान ने अगर दूध मेहनत करके दूध निकाला लेकिन किसान को दूध का पैसा नहीं मिले, तो मिलना है इसलिए कि होटल का पानी का रेट ज्यादा है और दूध का रेट कम है। लेकिन जैसे व्यापारी के पैकेट में गया तो दूध का प्राइस बढ़ गया, उसके ऊपर जीएसटी लग गई। एक जोक सामने आ रहा है कि अगर दूध पैकेट में का फट गया और फटने के बाद फिर बाद में उसका जो पनीर बनेगा वो पनीर के ऊपर भी जीएसटी लगाई। तो मेरा ये कहना है कि ओबीसी एक कम्युनिटी जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, और ओबीसी कम्युनिटी अगर खेती से जुड़ी है तो किसानों के हित में क्या हम लोग कर रहे हैं उसके भी बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी पंजाब से हो, तेलंगाना से हो, आंध्र से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, सभी राज्य से हमारी ओबीसी कम्युनिटी ये स्थानीय खेती से जुड़ी है। और जब खेती से हमारी कम्युनिटी जुड़ी है तो खेती के लिए क्या हो रहा है देश में उसका भी मंथन आरक्षण के साथ में शिवराय जी उसके बारे में भी यहाँ पे होना है। अगर खेती के बारे में चर्चा नहीं होगी तो हमने ओबीसी पे अन्याय हमने ही किया, यही होगा। आज किसान आत्महत्या कर रहा है देश में, सुसाइड कर रहा है।
अगर किसान सुसाइड कर रहा है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी इतनी तादाद में होने के बाद भी हमारे भाई, हमारी माएं, हमारी बहनें अगर आत्महत्या कर रही है, सुसाइड कर रही है, उसको कैसा रोका जाए, उसका भी मंथन इस अधिवेशन में होना चाहिए। और पैसे माध्यम से यही कहूंगा कि आज हम लोग तकलीफ में हैं, क्योंकि हमारा देश का बेसिक जो है वो एग्रीकल्चर बेसिक, हमारा जीडीपी देश का बढ़ता है तो एग्रीकल्चर के माध्यम से बढ़ता है, हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर माध्यम से बढ़ता है तो आज जीडीपी देश का रोज गिरते जा रहा है, हमारे देश का रुपया रोज गिरते जा रहा है, जीडीपी का जी निकाल दो तो हम अपनी डीपी बदलना चालू कर, सब देश के लोग डीपी बदल रहे, हम तिरंगा की डीपी बना रहे हैं सब लोग, और तिरंगे की डीपी बनाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, हम हमारे देश के, हमारा जो तिरंगा है हमेशा फहराते रहे उसके लिए कोई नहीं, लेकिन हमारा बेसिक जो है, जो जीडीपी है, जो एग्रीकल्चर बेसिक पे है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होना चाहिए। मुझे भवन राव जी से यही विनती है कि इस अधिवेशन के माध्यम से खेती के बारे में भी चर्चा होना चाहिए, वो हमारा बेसिक है और ये बेसिक के आधार पर भी चर्चा करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कौम, हम एक है, हमारी कौम ओबीसी की एक है, वो देश के कोई भी कोने में रहे, हम मांगने वाली जमात नहीं है, हम देने वाली जमात है, लेकिन आज हमारी जमात को मांगने वाली जमात बना के रखा गया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख भरी दास्ता है। और मैं चाहता हूं कि आने वाला कल यह ऐसा बने कि हमारा देश जो मांगने वाले, हमारे देश में हमारा ओबीसी समाज जो है, ये मांगने वालों में से नहीं देने वालों से देने वालों बने, और उसी आधार पर हम आने वाला कल को उस तरह से बनाएंगे। और मुझे विश्वास है, मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था तो हमने कई बार हमारी जाति यहाँ जनगणना हो इसके लिए हमने कई बार मोर्चे निकाले, हेमंत राव तो मैंने 2021 में हर 10 साल में हमारी जो सेंसेस होता है देश में, तो मैं 21 में जब विधानसभा अध्यक्ष था तो मैंने जनगणना जब सेंसेस होने के पहले मैंने विधानसभा में मैंने खुद प्रस्ताव लाया, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मैं लोकसभा में भी देखा, विधानसभा में भी देखा, इतने साल में जैसे मंत्री जी गए 30 साल, मेरे को भी राजनीति में तो मुझे भी 30 साल से मैं कंटिन्यू इस प्रोसेस में हूँ, तो विधानसभा और लोकसभा में मैं यही देखा कि जो सत्ता पक्ष का ठहराव या विपक्ष का ठहराव हो, स्पीकर उस ठहराव को पढ़ के उसको चर्चा में लाता है और होइका बहुमत करके रिजोल्यूशन पास करते हैं। मैंने कहा कि मैं खुद ठहराव लाऊंगा, मैंने प्रस्ताव खुद लाया और ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव मैंने विधानसभा में लाया, कुछ देर में थोड़ा करंट लगा और उसमें कुछ लोगों को, लेकिन बाद में हमने कहा कि हम प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, जिसको विरोध करना है वो करे, हम प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे। आखिर हाउस में वो प्रस्ताव एक बस विधानसभा में हमने पारित किया और उसके बाद में देश में कई विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पारित, और क्लाइमेट चेंज हो गया लेकिन कोरोना बीच में आ, ये कोरोना बीच में आने की वजह से हमारी सेंसेस नहीं हो सका और सेंसेस नहीं होने की वजह से हम लोग वही रुके। एक तो मैंने उस चेयर में बैठने के बाद, क्योंकि बहुत से ओबीसी के लोग जब चेयर में बैठ जाते हैं तो अपने समाज को भूल जाते हैं, भाई ओबीसी को हमको न्याय मिल गया ना, मुझे न्याय मिल गया नहीं, ओबीसी को न्याय मिल गया, लेकिन हमने वो नहीं किया जो वो समाज, वो मोर्चा, वो मेरी माता बहने, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी जाति यहाँ जनगणना हो ये मांग करते थे, वही मुझे मोर्चा दिखा, उस मोर्चे में मैं भी था और जब मैं चेयर पे बैठा तो मैंने उस प्रस्ताव को लाकर विधानसभा में पारित किया।
लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जब सेंसेस होगा, आप सेंसेस जब होगा तो हमें वही लड़ाई खड़ी करना होगा। अगर सेंसेस जब तक हम नहीं, सेंसेस के बारे में हम लोग जब तक हमारा उदय रूप नहीं करते तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में भी हो, बार बार हमें सुप्रीम कोर्ट बताते कि तुम्हारी संख्या कितनी है वो बताओ, तो हमारी संख्या राज्य ने अगर तुम्हारा सेंसस कर दिया तो राज्य के सेंसस को कोई नहीं पूछता। आजकल तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों में सेंसस करना चाहिए, राज्य के सेंसस को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो फुटबॉल है, हमारे ओबीसी समाज को फुटबॉल किया जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार सेंसस नहीं करती तब तक हमारी संख्या कितनी है इसका आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते। और इसलिए देश में जब अब कोरोना की स्थिति अब खुल चुकी है, अब जब भी देश में सेंसस आएगा तो तब हम लोगों को इस बात को जोर लगाकर हमें कहना पड़ेगा और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। लड़ाई, क्योंकि लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, मगर लड़ाई से कुछ नहीं होगा। मैं अभी मजाक में बोल रहा था, हमारे दोनों वकील साहब मेरे को पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद क्या होगा। मैंने कहा राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति शासन के बीच में ईडी की कार्रवाई होगी। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये चलेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं, ये चलेगी, कब तक करेगी। अंग्रेज ने भी इसी तरह अत्याचार किया था, तो अंग्रेज ने अत्याचार किया तो देश के लोग थोड़ी शांति रहे। जितना अत्याचार करोगे उतना ही लोगों में सब पैदा होगा, और जब सब उठेगा तो अच्छे अच्छे को, अंग्रेजों को जैसे लोगों को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। यही स्थिति आज देश में हुई है। मुझे लगता है कि ओबीसी समाज एक ऐसी क्रांति इस देश में लाएगा, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर अन्याय होता है और ज्यादा अन्याय होने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तब गुस्सा जब पैदा होता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है और तादाद ज्यादा होने की वजह से हम लोग जब इकट्ठा ये लड़ाई लड़ेंगे। मेरी इतनी विनती है, यहाँ सभी दलों के लोग हैं, मैं कोई पार्टी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हम जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, तो अपनी बात उस मंत्रिमंडल में, पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में, अपने को रखना ही चाहिए और मांग पूरी करना चाहिए। और मांग अगर वो अपने ओबीसी समाज पर अन्याय करते हैं तो हम उस समाज का नेतृत्व करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं अगर ओबीसी समाज का नहीं रहता तो मुझे 30 साल कंटिन्यू विधानसभा और पार्लियामेंट जाने का मौका नहीं मिला। अभी मंत्री जी कहते गए कि ओबीसी की वजह से मैं चुन के आता हूं, ओबीसी के नहीं है, कोई भी ओबीसी के लोग उनको चुन के देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तो खुद ओबीसी हूं और मैं ओबीसी होने की वजह से मुझे, मेरे समाज ने मुझे ये मौका दिया है, तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं भी मेरे समाज को देना लगता है। लेकिन हम लोग आज जैसे पोस्ट पे आते हैं तो मैं 10 पीढ़ी का उद्धार अपने खुद का कैसा करूं। ये जो मानसिकता हमारी रहती है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमने हमारे समाज को क्या दिया इसका तुम्हारे को बताने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, जब भी मौका लोकतंत्र में आपको मिलता है अपनी बात रखो, अपनी बात, अगर वो सरकार अगर पॉजिटिव तो उसका सम्मान करो, अगर सरकार हमारे समाज के विरोध में है तो वो सरकार को वही जवाब देने की सीखो जो नाना पटोले ने अपनी सांसद एक खट्टे में छोड़ दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये लड़ाई इस तरह से लड़ने की कोशिश सब लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज के जमाने में भी हमने देखा है, जो इतिहास हम देखते हैं कि अंग्रेज की जो बुजुर्गिरी करते थे तो जमींदार बन जाते थे, और अंग्रेज का जो विरोध करते थे उनको फांसी पे चढ़ाया जाता था, भगत सिंह बनाया जाता था, चंद्रशेखर आजाद बनाया जाता था। तो आज जो हमारे समाज के विरोध में जो है उसका विरोध करने का सीखना चाहिए,
मुझे ऐसा लगता कि ये मौका हमें जो मिला है वो मौके का फायदा हमारे समाज को कैसा हो, हमारे ओबीसी समाज को कैसा हो, यही कॉन्सेप्ट हम सब लोगों ने रखकर काम किया। और मैंने जो शुरुआत में कहा कि जाति निहार जनगणना जो अभी प्राइवेटीकरण जो शुरू है उसका विरोध हम कैसे करेंगे, और एग्रीकल्चर के बेसिक के आधार पर पूरे देश में ओबीसी समाज की जो परिस्थितियां बनी है, ऐसे तीन मुद्दों के आधार पर हमारा ये विचार मंथन होना चाहिए। इतनी बात मैं कहूंगा। मैं पुनः बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। देश के कोने कोने से हमारे ओबीसी के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ओबीसी की ये लड़ाई हम संविधान के आधार पर जीत के रहेंगे, यही विश्वास मैं इस कार्यक्रम में रखता हूँ। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। धन्यवाद। प्रभाकर दुपारे।